जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आज आप राजनीति में जहां भी हैं या अपने जीवन में जो भी सफलता पाई है, जो भी असफलता पाई है, आज आप जहां तक भी अपने जीवन में पहुंचे, केवल दो चीजें थी जिनके कारण आज आप जहां हैं वहां हैं, और अगले 5 वर्ष बाद आप कहां होंगे, केवल ये दो ही चीजें तय करने वाली हैं अगले 5 वर्ष में आप कहां पहुंचने वाले हैं। कौन सी दो चीजें? केवल दो चीजें हैं जो व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकती हैं, भविष्य के बारे में बता सकती हैं, और वो दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, पिछले 5 वर्ष में आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी, और दूसरी चीज, आप कैसे लोगों की संगत में रहे थे। जी हाँ साथियों, पिछले 5 वर्ष में आपने जितनी किताबें पढ़ी, जिस तरह की किताबें पढ़ी, जिस तरह की संगत में आप रहे लोगों के, आज आप उनके कारण वहां पहुंच गए जहां आज आप हैं, और अगले 5 वर्ष में आप कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंच सकते हैं, ये तय करेगा कि अगले 5 वर्ष में आप कैसी किताबें पढ़ने वाले हैं, कैसे लोगों की संगत में रहने वाले हैं। और जो इंसान ये कहता है मुझ पर संगत का, किताबों का कोई असर नहीं पड़ता, मैं मान ही नहीं सकता, बुरी किताबों का, बुरी संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, अच्छी किताबों, अच्छी संगत का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम जिस मानसिक स्थिति में रहते हैं, यदि आप सफल लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि असफल लोगों के साथ या नेगेटिव लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल था और आपने क्या क्या गवा दिया। जो लोग मुझे कहते हैं साहब मुझ पर बुरी से बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ा, मैं बुरे से बुरे लोगों के साथ रहा लेकिन मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ता है, मैं उन्हें सिर्फ एक ही सवाल कहता हूं कि कोई बात नहीं, आपने अपने पिछले 2, 3, 4, 5 वर्ष बुरे लोगों की संगत में गुजारे, आपने कितना नुकसान किया अपना, यह आपको तब एहसास होगा जब आप अगले 2, 3, 4, 5 वर्ष अच्छे लोगों की संगत में गुजारेंगे। और करके देखिए, मेरे कहने पर मत जाइए, किसी के कहने पर मत जाइए, खुद प्रयास करिए, और जब आप अच्छे लोगों की संगत में बैठेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तब आपको एहसास होगा कि 5 वर्ष आपने कहां गवा दिए, आपने कितना नुकसान कर दिया। और मेरी बात नहीं है, हर सफल व्यक्ति से, जितने लोग सफल हुए उनसे बात करिए, और यहां भी जो लोग भी सफल हैं अपने अपने फील्ड में, जिन्होंने जो सफलता पाई है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरे लोगों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, यहां कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लाभ हुआ अपनी संगत को सुधारने के बाद, जब आप अच्छी संगत में रहे और जब आप बुरी संगत में रहे तो क्या अंतर पैदा हुआ, जब आपने अच्छी किताबें पढ़ी तो उनसे आपको क्या लाभ मिला, लोगों को बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देंगे तो लोगों को विश्वास हो पाएगा। मैं जितने भी सफल लोगों से जीवन में मिला हूं, उन सबने बताया कि आज हम जहां भी हैं अच्छी संगत की वजह से और अच्छी किताबें पढ़ने की वजह से हैं। हमने जैसी किताबें पढ़ी, जैसे लोगों की संगत में रहे, हम वैसे ही हो गए। एक कहावत है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो 5 अमीरों के साथ रहिए, 6ठे अमीर आप बन जाएंगे। अगर आप सफल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, 5 सफल क्रिकेटरों के साथ रहिए, 6ठे सफल क्रिकेटर आप बनेंगे। अगर आप सफल राजनेता बनना चाहते हैं, 5 सफल राजनेताओं के साथ रहिए, 6ठे सफल राजनेता आप बन जाएंगे, क्योंकि आप उनको देख करके अपने आप ही सीख जाएंगे कि सफल राजनेता क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो जब लोगों से मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनके पास जब खाली समय होता है तो क्या करते हैं, वो किस तरह से अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, किस तरह से वो अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, किस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्शन पैदा करते हैं, किस तरह से वो कनेक्टिविटी को डेवलप करते हैं। और जो अच्छी किताबें, कौन कौन से अच्छी किताबें होनी चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, राजनेताओं को जरूर पढ़नी चाहिए 20 किताबें, मेरे चैनल पर जाइए, इसी पर मिल जाएगी आपको, सर्च कर लीजिए राजनेताओं को पढ़ने वाली 20 किताबें, राजनेताओं को कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वो वहां पर आपको लिंक आ जाएगा। 10 किताबों की भी एक वीडियो बनाई हुई है, एक 20 किताबों की बनाई हुई है, वो किताबें पढ़िए। और राजनीति के अलावा बिजनेस में जो भी सफल लोग हुए हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में सफल लोगों की जीवनियां पढ़िए, सबसे बढ़िया चीज होती है उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, उनकी जीवनियां, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे उन्होंने संघर्ष का दौर देखा, जब वो अकेले पड़ गए थे, जब उनके पास पैसा नहीं था, जब सपोर्ट नहीं था, जब कोई साथ नहीं दे रहा था, जब कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब क्या क्या था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था, कब तब वो कैसे आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने अपने आप को कैसे स्थापित किया, जब संसाधन नहीं थे तब कैसे स्थापित किया, जब सपोर्ट आ गया तो क्या किया, जब वो बड़े बन गए तो उन्होंने सफलता को मेंटेन कैसे किया, ताकि आप सीख पाए, समझ पाए और आगे बढ़ पाए। मेरा विश्वास करिए, आज आप जहां भी हैं केवल इन दो चीजों के कारण है, और अगले 5 वर्ष में आप जहां पहुंचने वाले हैं केवल ये दो ही चीजें तय करने वाली हैं। इन आने वाले 5 वर्षों में आप कैसी किताबें पढ़ते हैं और कैसे लोगों की संगत में रहने वाले हैं, ये दो चीजें तय करेंगी आपका भविष्य क्या होने वाला है, 5 वर्ष बाद आप कितने सफल होने वाले हैं।